been on my grind. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है गाड़ी का व्हील टायर चेंज किया जाता है। अभी कोई पंक्चर नहीं है टायर, लेकिन हम एज ए डेमो इसको चेंज करके दिखाएंगे आपको कि आपको इजी हो जाए समझना और आप फ्यूचर में अपने आप जो है अपना व्हील चेंज कर सकें। अगर आपकी गाड़ी कहीं पर हाईवे में फंस जाती है, हाईवे में पंचर हो जाती है या कुछ और दिक्कत हो जाती है व्हील पे, तो आप आराम से उसको चेंज कर सकें। सबसे पहले आपको गाड़ी में चीज़ें जो आपके व्हील्स को खोलने के लिए अवेलेबल रहे, जैक, इस टाइप का जैक मिलेगा ज़्यादातर गाड़ियों में, और दूसरा ये रिंच, स्पैनर भी बोल सकते हैं आप इस, ये चीज़ आपकी गाड़ी में अवेलेबल रहती है चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें जो है नट या बोल्ट जो भी हैं इसके, जिससे कि ये टायर खुलेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसके आगे जो है प्लास्टिक का व्हील कवर लगा हुआ है, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इसको स्क्रू ड्राइवर से हम निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन अभी स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो मैं इस लीफ का यूज़ करूँगा। ये देखिए बाहर आ गया। अब जो है आपको इसके नट दिखाई दे रहे होंगे, तो हमें ये नट खोलने हैं। नट खोलने के बाद ये व्हील निकल जाएगा, उससे पहले हमें इसको जैक में लगाना पड़ेगा बाहर निकालने से पहले। अभी क्या है, अगर मैं इसको अभी उठा देता हूँ, गाड़ी को लिफ्ट कर देता हूँ, तो ये जब मैं इसके नट को लूज़ करूँगा तो ये जो है व्हील घूमने लग जाएगा, तो मैं अच्छी तरह नट को लूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे अपने नटों को लूज़ करना है। पूरे खोलने में क्या दिक्कत है, जबरदस्ती काम बढ़ाना है। कभी भी जो नट या कोई भी बोल्ट हो वो एंटी क्लॉक वाइज लूज होता है और क्लॉक वाइज टाइट होता है, ये सभी आप लोगों को पता होगा, ये चीज़ आप लोगों को पहले से पता होगी। और जैक लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, लोग जो बिना देखे जो है जैक को गाड़ी के नीचे लगा के उसे उठा देते हैं, देखते नहीं है कि नीचे क्या है और किस जगह पर उनका जैक जो है रेस्ट कर रहा है। तो सब और हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जो गाड़ी का चेचिस है उसके ऊपर जो है जैक को रेस्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो चेचिस है गाड़ी का, मैं यहाँ पर जैक को जो है रेस्ट करूँगा। अभी आप देख सकते हैं जैक जो है वो इसके जो चेचिस है गाड़ी का उसके नीचे जो है रेस्ट कर गया है, बिल्कुल टाइट हो गया। अभी हाथ से घूमेगा नहीं इसको। अब आप देख सकते हैं ये जैक जो है चेचिस के नीचे लगा हुआ है। कई लोग इसको यहाँ बाहर बॉडी में लगा लेते हैं, कोई जो है गाड़ी के फ्लोर में लगा लेते हैं जिससे कि फ्लोर में डेंट आने का खतरा रहता है। अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी धीरे धीरे जो है ऊपर लिफ्ट हो रही है।
देख सकते हैं फाइनली मैंने जो है अपनी कार को लिफ्ट कर दिया है और ये टायर जो है बिल्कुल हवा में हो चुका है और देख सकते हैं आप। तो अब मैं क्या करूँगा, जो नट लूज किए थे मैं निकाल लूँगा। कुछ खाने के लिए नहीं पिएगा तू? नहीं पिएगा ना? मैं तो नहीं पिएगा। अब ये चारों नट जो है मैंने बाहर निकाल लिए हैं, अब मैं व्हील को आराम से बाहर निकाल सकता हूँ। ये आ गया मेरा व्हील बाहर। अब जो है इसी टायर को मैं जो है दोबारा माउंट करके दिखाऊंगा आपको, कुछ इस तरह से इसको माउंट करेंगे। हल्का सा टाइट कर लेंगे, उसे फुल टाइट नहीं करेंगे, फुल टाइट जैक को डाउन करने के बाद करेंगे। फुल टाइट अभी हमने जैक को डाउन करने के बाद करना है, क्योंकि अभी फुल टाइट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम फुल टाइट करने की कोशिश करेंगे तो जो जैक है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, गाड़ी जो है जैक से नीचे भी उतर सकती है झटके से। अब जो हमें जैक को जो है डाउन करूंगा, जैक जो है मैंने निकाल लिया, गाड़ी का वेट उसके व्हील पे आ चुका है। अब मैं इसको इसके व्हील, इसके जो नट है वो प्रॉपरली टाइट करूँगा। आप अपनी बॉडी का वेट डाल के इसे इंश्योर करेंगे कि ये प्रॉपरली टाइट हो चुका है। आप इसमें खड़े होने की कोशिश करिए और इसे पूरा टाइट करिए इस तरीके से। अगर कम नहीं है ना,
और ये प्रॉपरली टाइट हो चुके हैं चारों नट। अब जो है मैं इसमें इसकी जो कैप है वो लगा दूंगा। तो आज हमने देखा कि कैसे हमने व्हील चेंज किया, और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आपकी गाड़ी हाईवे में पंचर हो जाती है और तो आपकी गाड़ी में 1000 ट्रायंगल होता है, आप उसको यूज़ करना है आपने, वो इस तरीके से होता है, आप उसको ऐसे फिट करके कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं। आप ऐसे जो है 1000 ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो आने वाली गाड़ियां हो हाईवे में वो अलर्ट हो जाएगी, आगे इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना जो है रास्ता जो है चेंज कर दे। ये एक सेफ बिहेवियर है हाईवे में व्हील चेंज करने के लिए, ये बहुत अच्छी आदत है अगर आप इसको यूज़ करते हैं।